स्टार्ट किया जाए फिर बोकारो स्कूल सिटी। तो निम्नलिखित अनुपात में घटते क्रम में लगाए कौन सी संख्या आखिरी होगी घटते हुए क्रम में? घटते हुए क्रम मतलब सबसे छोटा टर्म्स अगर हम लिखें तो हमको निकालना है। तो 11 बटे में हमारे पास 14 है, ये बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले से तो ये हमारे पास क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। और ऐसे क्वेश्चन को हम डिफरेंस निकालते हैं, इनका डिफरेंस 11 का, इसका 3 का है, यहाँ 3 लिख दिया, इनका डिफरेंस कितने का है 5 का है नहीं 4 का है तो 4 लिख लेंगे। तो इनका डिफरेंस 3 का था, इनका डिफरेंस 4 का था, इनका डिफरेंस 2 का, इनका डिफरेंस 1 का, ठीक है ये डिफरेंस हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। तो थ्योरी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है ठीक है, और ये वाली वीडियो भी अपलोड है जो आप यहाँ देख रहे हैं, अब डाउनलोड करना सीखिए पहले। तो 11 बटे 14 मतलब इनके बीच डिफरेंस 3 इनका 4, तो इन सभी से कटने वाला एक नंबर आपको ढूंढना होता है बस। हमने नंबर ले लिया वो नंबर 12 है, हमने देखा ये इससे 4 गुना में कट रहा है, 4 गुना में इसमें 4 से गुणा कर लीजिए ये आ गया 44, ये इससे 3 गुना में कट रहा है इसमें 3 से गुणा कर लीजिए ये आ गया 51, ये इससे 6 गुना में कट रहा है तो 6 इसमें कर लीजिए 6 5 30, और ये इससे 12 गुना में कट रहा है तो 12 गुना 24। तो इन सभी नंबर में सबसे छोटा नंबर यही वाला है, और सबसे छोटा नंबर यही है तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है 2 और 3 का नंबर। बिल्कुल काम हो जाएगा, पेंसिल लेने की जरूरत नहीं, आपको काम ही चाहिए 100% होगा काम, एक्स्ट्रा भी पढ़ने कोशिश नहीं करना अभी एग्जाम के लिए अगर आपको साइन नहीं है तो, नहीं तो पढ़ने के लिए तो कुछ भी पढ़िए कहीं हेल्प करेगा आपको। अब इसमें से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, अगर कटने वाला है तो उसको काट लेंगे, जैसे 1/8 ये से कट जाएगा 2 से तो 1/6, ये कट नहीं पाएगा तो 3/16, ये कट जाएगा इससे तो 1/5 नहीं कटेगा कोई, 1/8 होता है 12.5% ये सबको पता है, ये वाला होता है 16 सही 2/3% ये सबको पता है, ये वाला होता है 20% ये भी पता है, ये होता है हमारे पास 18 सही 3/4% ये भी पता है, अगर परसेंटेज आता है तो परसेंटेज में कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें हमको कौन सी दिखाई है, ये वाली दिखाई है कौन सी, ये वाली 1/5 मतलब 4/20, तो हम इसको कर लेंगे ठीक है, ये हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा तो बी वाला सही है। अगर आप इसको डिफरेंस में निकालना चाहें तो डिफरेंस में निकाल सकते हैं, अगर परसेंटेज आपको आता है तो इजी तरीके से भी हो सकता है, छोटा नंबर था इसलिए परसेंटेज का यूज किया हमने, बाकी आप डिफरेंस भी कर सकते हैं, इनका डिफरेंस 7 का, इनका डिफरेंस 5 का, इनका डिफरेंस 13 का, इनका डिफरेंस 4 का। अब इन सबसे कटने वाला नंबर ढूंढने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है आपको, क्योंकि बड़े बड़े नंबर अलग अलग डिफरेंस है तो हमने इसलिए इसको परसेंटेज लगा दिया कि ज्यादा इजी तरीके से आ जाए, अब यहाँ पर ढूंढ लगाएंगे तो आएगा आंसर, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन हो गया ठीक है, छोटा क्वेश्चन इसको परसेंटेज बताना सबसे इजी काम था, परसेंटेज आपने सबने पढ़ा इसको लिखते हैं 12.5%, इसको भी आपने सबने पढ़ा 16.66%, इसका जिनको नहीं आता ऐसे करेंगे 3 × 1/16 और 1/16 होता है 6.25%, तो 6 × 1 कर लेंगे 18 और इसमें कर लेंगे तो 7/5, तो ये आ गया 18.75 और ये वाला 20% होता है, तो 20% सबसे बड़ा है तो ये वाला कितना था 4/20। तो जैसा क्वेश्चन देखेंगे उसके हिसाब से अपना तरीका बदलेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो ये इसे कट जाएगा 3/15 मतलब 1/5, इसको इसे 5 से कट जाएगा 1/4, अब इसको परसेंटेज लगा लेंगे, ये कट जाएगा 8/1/8, ये कट जाएगा 25 से कितने बार में 4/1 में 1/40, तो ये होता है 20%, ये होता है 25%, ये होता है 12.5% और ये होता है 1/4 होता है 25%, लेकिन पॉइंट लगा इसे 2.5, तो सबसे बड़ी तो हमको ये वाली दिख रही है कौन से नंबर वाली, दूसरे नंबर वाली 5/20 सबसे बड़ी हो जाएगी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 5/20 हो जाएगा है जी। इस वाले में आएगा ना डिफरेंस, इसमें करते डिफरेंस बड़ा बड़ा था डिफरेंस है दोनों आना चाहिए आपको, और करना डिफरेंस करिए आप कैलकुलेट हो जाएगा थोड़ा क्या, वीडियो का सलूशन तो दे दिया गया ना, पूरा बुक ही दे दिया है, बुक में सलूशन है ना, यही क्वेश्चन है बुक में, बुक के ही क्वेश्चन है सब, अलग थोड़ी ना है, उसमें सलूशन है आप वहाँ से निकाल लीजिए, इसको जो चाहिए आप जिस टॉपिक में जाएंगे ग्रुप डी का क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे एक लाइन से है, कोई पैटर्न भी नहीं चेंज किया गया। कल का वीडियो अपलोड है, पहले अपलोड कर दिया गया था, थोड़ा चेक करिए आप लोग, नीचे दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न करें, अब यहाँ चाहें तो डिफरेंस लगा सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे पास 4/9 दिया है और ये वाला 5/4 दिया है, 3/8 दिया है, 6/7 दिया, तो इसमें एक दे दिया ना ये प्रॉपर फ्रैक्शन, कहीं भी अगर मिल जाए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलते हैं पहले वो समझिए, तो प्रॉपर फ्रैक्शन ये बोलता है कि जब ऊपर वाला नंबर बढ़ जाता है तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा, इसको आप छोड़ दीजिए फिर क्वेश्चन में, इससे मतलब नहीं रखे सबसे बड़ा ये खुद ही हो जाएगा, अब ये सबसे बड़ा होगा तो बड़ा हमको निकालेंगे, क्योंकि इसको अगर कंपेयर करेंगे डिफरेंस वाले में आंसर का हो जाएगा ठीक है, तो अब आपको इसको छोड़ दे रहा है कि सबसे बड़ा होगा, अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो गया तो कुछ बड़ा नंबर लिख दें यहाँ पे हम, तो वो सबसे बड़ा ही आएगा, अगर यही है तो दो आता है उसमें चेक करते, तो हम हमारे पास यही नंबर है 4/9 1/3/8 और 1/6/7 इसमें चेक करना, डिफरेंस निकाल लीजिए 5 का, इसमें डिफरेंस निकाल लीजिए 5 का, इसमें डिफरेंस निकाल लीजिए 1 का, इन सबसे कटने वाला नंबर 5 आ गया, तो ये 1 गुना पे, ये भी 1 गुना पे, ये 5 गुना पे, तो 1 गुना का मतलब 1 से इसमें गुना करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसमें 1 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और इसमें 5 से करेंगे तो ये वाला 30 आ जाएगा, तो इसके हिसाब से सबसे छोटा तो यही दिखा 3/8, तो 3/8 क्या होगा सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल सही है, सुप्रसाद, नेहा सिंह, अनुपाल, विवेक कुमार, क्वेश्चन के डाउट लास्ट में बताएंगे ठीक है, और अभी बता देंगे लास्ट में, अभी भेजेंगे जब मैं बताऊंगा तो फिर से भेजिएगा। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसमें ये निकालना है, सबसे पहले देखिए कहीं इसमें कोई प्रॉपर के अलावा इम्प्रॉपर तो नहीं आ गया, और इसमें ऊपर नंबर बड़ा होता है फिर सबसे बड़ा, लेकिन सब में ऊपर नंबर छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिफरेंस निकाल लीजिए, या तो 29/77, 5/14, 8/21 और 25/66 ठीक है। अब इनका डिफरेंस हम देखें अगर ध्यान से, तो और सबका डिफरेंस लिखिए इनका, इनका डिफरेंस कितना है, तो इनमें अगर घटा लेंगे तो हमारे पास 70 है, तो 70 में से 9 गया 8, 8 आ गया, और यहाँ बचेगा 6 में से अगर 2 चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ठीक है, और इनका डिफरेंस अगर देखें तो 14 में से 5 गया तो ये 9 आ जाएगा, 8 और 21 है तो 1 घटा लेंगे पहले और तो 20 बन जाएगा, और 7 घटा लेंगे तो 13 आ जाएगा, 25 है तो ये वाला 1 आ जाएगा, ये वाला 4 41 आ गया। अब ये नंबर हमको ऐसे मिल जाएगा कि जो उनका हमको कैलकुलेशन करना थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लग रहा है ठीक है, इसमें हमको कैलकुलेशन करना ज्यादा क्या बड़ा लगा, डिफरेंस वाले से लगाएंगे अगर, तो इसका 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 एक एलसीएम लेना हमारे लिए क्या होगा, टाइम टेकन है, क्योंकि इसमें एक प्राइम नंबर भी आ गया है, और ये सभी ये भी प्राइम नंबर है, इसमें इसमें कुछ कॉमन है 3, लेकिन फिर भी बड़ा नंबर होगा, एक बड़ा नंबर यहाँ क्रिएट होगा, फिर बड़ा करने में आपको दिक्कत होगी, अगर ऐसे देखा जाए तो मल्टीप्लाई करने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम क्या करेंगे डिफरेंस वाले तरीके से नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे अब देखिए चेक करेंगे दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चन लगा नहीं बड़ा क्वेश्चन है मतलब इसमें गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे उसको दूसरे तरीके से चेक करेंगे। अब आते हैं अप्रॉक्सिमेशन पे भी ठीक है, अप्रॉक्सिमेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन से, नॉर्मल तरीके से कोई दो दो नंबर को लेकर चेक करना चालू करेंगे, जैसे इन दोनों को पहले चेक करेंगे, इनको और इनको, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, जैसे 5/14 है, जो छोटा वाला होगा उसको हटा देंगे, 8/21 दो दो को चेक करेंगे, तो इनका इधर और इनका इधर गुणा करते हैं, 21/5 में करेंगे तो 5 = 5 और 5 = 10, 14 का गुणा 8 में करेंगे 8 = 32 और 8 = 8 = 3
यार है, तो ये वाला बड़ा आ गया, मतलब ये छोटा है तो इसको छोड़ दो क्योंकि हमको छोटे वाले से तो मतलब ही नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इन दोनों में हम चेक कर लेंगे, इन दोनों में कौन बड़ा है, इसको चेक कर लें, इसको चेक कर लें। 8/21 को हम चेक करेंगे 29/77 से, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर करना है। तो देखिए 8 × 56 ये 6 और 8 × 56 और 5 हमारे पास कितना आ जाएगा 1, सर ये आ गया हमारे पास, सही किया ना, ठीक है। और 21 इसमें करेंगे तो 21 × 30 में कर लीजिए, 30 में ऐसे गुणा करते हैं तो 21 यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 63630। और 7 में हमको इसमें घटाना भी 21 क्योंकि हमने ज्यादा बड़ा कर लिया, तो ये वाला 9 आ जाएगा और ये वाला 1 आ जाएगा और ये वाला कितना आ जाएगा 6619 आ गया। इसमें तो ये वाला बड़ा आ गया, ये वाला गलत, मतलब इसको भी हम नहीं लेंगे, इससे बड़ा ये वाला। अब लास्ट हमारे पास बचता है ये बड़ा नंबर, ठीक है, ये बड़ा नंबर बच गया। इन दोनों के बीच में हमको डिफरेंस निकालना है, इसका एक हमारे पास 5 29/77 है और एक 25/66 है। अब दोनों का हम रेशियो भी निकाल सकते हैं क्योंकि नीचे वाली वैल्यू कर सकते हैं, 11 × 7 बार, 11 × 6 बार। अब इनका गुणा इधर और इनका गुणा इधर करेंगे तो अब देखिएगा ये हमारे पास 25 × 7 175 आ जाएगा और 6 का गुणा करेंगे तो 30 × 6 तो 30 × 6 हमारे पास कितना आ जाएगा 180, 180 में 6 घटा लेंगे तो 174 आ जाएगा। तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, मतलब 25/66 हमसे क्या होगा, सबसे बड़ा बड़ा होगा। कौन सा नंबर आ गया, 609 आ रहा है क्या इसमें, अच्छा 609 आ रहा है, 609 अगर आएगा यहाँ पे तो 609 अगर आ गया, कहाँ गया 609, 609 ये वाला, तो 609 मतलब ये वाला बड़ा हो जाता, तो इसको हटाना पड़ता है, फिर 29/77 को हटाना पड़ता, फिर तुम्हारे पास ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो अब इस तरीके से करके निकाल सकते हैं, हाँ देखते हैं 609 एग्जाम हमने गलत कर दिया, ठीक है। तो बड़े बड़े नंबर में तो अलग अलग दो नंबर को चेक करेंगे, ठीक है, बड़े बड़े नंबर में फिर हमारे पास सारे के सारे सब छोड़ दीजिए, फिर हमारे पास यही वाला हो जाएगा, ठीक है, अगर यार है तो टाइम लगेगा, ठीक है, सबके लगेगा, आपके अलग से नहीं कुछ भी, या तो आपको भाग देना पड़ेगा या तो अप्रॉक्सिमेशन निकालना पड़ेगा, अप्रॉक्स भी आप तैयार नहीं होंगे, अप्रॉक्स में गलत कर देंगे, लगाने की बात करें तो अप्रॉक्स में गलत हो जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स के चक्कर में भी नहीं पड़ना क्योंकि अप्रॉक्सिमेशन लगाना तो इसमें ऐसे चेक करते हैं, तो इसको ऐसे बना देंगे 5/15 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3, या गया 33.33, इसको हमने 30 लिख दिया, इसको हमने 80 लिख दिया, ये 3/8 आ गया, ये 37.5 आ गया, ये इसको हमने 20 बना लिया, 4 × 8 = 24, ये 40 बन गया, ठीक है, इसको हमने 25 था, इसको 65 बना लेते हैं, तो 5 × 5 = 13 बार, 5 × 13 = 13 बार, 1/13 हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये होता है हमारे पास 13, 7, 7 × 35 के आसपास आ जाएगा, सबसे बड़ा ये दिख गया। तो ये अप्रॉक्सिमेशन तो आपको खुद देखना पड़ेगा, जो वैल्यू हटा घटा रहे वो सही रास्ता तो नहीं है, जैसे देखिए यहाँ 70 × 80 बना दिया, यहाँ 14 × 15 बना दिया, तो काट दिया, लगभग लगभग सबका आंसर उसके आसपास आएगा, यहाँ 21 × 20 कर दिया तो ये 1/5 = 40 आ गया, सबसे बड़ा ये दिख रहा है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी तरीके से अप्रॉक्स करके भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्स भी करेंगे तो भी हमारे पास आंसर मिलेगा, किया जाए आगे तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। लेकिन आप दो कर करिएगा, ठीक है, सबसे छोटी निकालिए, ये आपके लिए, ठीक है, निकालिए जल्दी से, ट्राई करिए सब लोग, सबसे क्या मिला छोटी भी एलसीएम का प्रयोग करेंगे तो भी आएगा, कोई चीज आंसर निकालना को आप लोग ट्राई करके बताइए, पहले 6/11 × 13/18 का एलसीएम से लगाना, एलसीएम वाले बताते हैं थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और क्या दिक्कत है, परसेंटेज लगा सकते हैं, जिनको याद है 1/11 जो होता है कि ये 9.09 है तो 9×54 = 54.5 आएगा, जिनको 18/95 = 65% के आसपास आएगा, जिनको पता है 1/22 होता है 22×88 तो 4 तो लगभग 60% के पास आ जाएगा, अगर इनको ये पता है 1/36 होता है कि लगभग 36 × 3 = 19 = 57 के आसपास आ जाएगा, 5/6 के बारे में बात करेंगे तो 16/85 = 83 के आसपास आ जाएगा, ये अप्रॉक्सिमेशन की बात करता हूँ, इसमें सबसे छोटा दिख रहा है हमको 6/11 दिख रहा है, ठीक है, जो सबसे छोटा दिख रहा है वो हमको कितना दिख रहा है 6/11 दिख रहा है, तो हम अप्रॉक्स लगाएंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा, बहुत बड़ा थोड़ी ना, लेकिन 1-2 सेकंड में आ जाएगा, लेकिन अप्रॉक्स आपको आना भी चाहिए कि अगर 아마자가마자 고이니 चले देखते हैं अब ना साउंड ओके, ठीक है, अब दूसरा तरीका भी समझिए, आप चाहें तो उसको पूरा भी लगा सकते हैं, डिफरेंस वाला तरीका, इसमें टाइम लगेगा, इसमें डिफरेंस 5 का है, इसमें भी 13, 5 का डिफरेंस है, 15 और 5 ये 7 का डिफरेंस है, 1936 से थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1938 तो 16-17 का डिफरेंस हो जाएगा इसमें, और यहाँ पे 1 का डिफरेंस हो जाएगा। अब जो इसमें देखिए इसको लिख सकते हैं 5 × 7 × 17, क्योंकि देखिए हम एलसीएम लेंगे तो ये प्राइम प्राइम है तो आएगा यार कुछ मिलेगा नहीं, 5 से गुणा करेंगे तो देखिए 17 × 7 आ जाएगा, इसमें करेंगे 5 से तो ये भी 7 × 17 आएगा, 7 से करेंगे तो 17/85 आ जाएगा, और 17 से कर लेंगे तो ये 35 आ जाएगा, अब इतना बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कहीं हमारा टाइम वेस्ट ही जाएगा इसमें, ठीक है, बड़े नंबर से अंदर से भाग देने पे हर जगह नहीं आता है, उसमें गलत हो जाता है कभी कभी, अंदर से हमेशा भाग नहीं दे सकते, काम बन जाता है, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन है, इंप्रॉपर फ्रैक्शन अगर मिक्स आ गया तो उसमें दिक्कत होगी, अंदर वाला भी काम करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि फ्रैक्शन कौन सा है, अंदर से डिवाइड भी करने से आंसर मिलता है नहीं मिलता है, अगर अंदर में अगर ये वाला नंबर अंदर से बड़ा नहीं है, बड़ा है तब तो काम हो जाएगा, इसका अंतर हमारे पास कितना आ गया 5 का, तो 5 से फिर 6/5 बन जाएगा, इसका भी 5 का तो 13/5 बन जाएगा, इसका भी हमारे पास कितना 15/7 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये वाला भी देखेंगे तो ये 19/17 आ जाएगा और ये 5/1 आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें भाग देंगे तो 1 point something के आसपास आ जाएगा, 1 सही / 5, इसमें देंगे तो 2 सही 3/5, इसमें देंगे तो 7 सही 7 × 14 2 सही 1/7, इसमें देंगे तो 1 सही में हमारे पास 2/17 है, ये 5 ही सबसे बड़ा हो गया, तो इसमें सबसे छोटा हमको मिल जाएगा, लेकिन लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब डिफरेंस हमारा इस वाले से छोटा निकले, अगर बड़ा निकल गया डिफरेंस तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, इसका भी रूल है डिफरेंस वाले में, ठीक है, तो जहाँ जैसा क्वेश्चन मिले उसके हिसाब से आपको अपना आइडिया बदल देना, ठीक है, ये वाला तो किए थे हम थोड़ा पहले 5/20 में आता था, बड़ा 5/20 सबसे बड़ा है।
इसका बताइए। जैसे रूट टू हमारे पास जो होता है, रूट टू का मान निकालना होता है, ये वाली वैल्यू, रूट टू की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट वन प्लस वन, ठीक है, यही होता है हमारे पास। अगर रूट वन देखें तो हमारे पास रूट वन है, और इसमें अगर हम एक का वर्गमूल एक ही आता है दोनों पर आ जाएगा, तो ये एक प्लस एक बटा दो बन जाएगा। तो ये अप्रॉक्स ही निकालता है, ठीक है, ये क्या निकालता है हमारे पास अप्रॉक्स, या तो इसको थोड़ा और मुश्किल करना चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं रूट फोर माइनस में टू। तो ये हमारे पास देखिए यहाँ रूट फोर हो गया और इसमें हमने दो घटा लिया, तो भी हमारे पास बन जाएगा कि हाँ ये रूट टू के बराबर होगा, तो भी हम इसको निकालेंगे तो देखिए आ जाएगा दो प्लस एक बटा हमारे पास चार, तो भी हम इससे कुछ फायदा नहीं मिलता कि अप्रॉक्स आंसर मिलता हमारे पास, दो माइनस में एक बटा दो कर लेंगे तो भी हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। या तो हमारे पास एक तरीका हमने बताया था कि एक तरफ रूट टू लिख लीजिए, इसे छोटा वाला और एक इससे बड़ा वाला, ठीक है, अगर हम दोनों का नंबर ले लें, ठीक है, दोनों का नंबर ले लेते तो हमारे पास आंसर आता था कि जो हमारे पास वन है इस वन तो आएगा ही आएगा, और इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितने का है तीन का, तो नीचे में तीन आ गया, ठीक है, और इनका डिफरेंस एक का, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1.334 ऐसे कुछ बनता हो जाएगा, तो ये भी अप्रॉक्स ही देता है, एक्जैक्ट वैल्यू हमारी निकलती ही नहीं है, एक्जैक्ट वैल्यू, तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास एक ही तरीका है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया था, तो अब ऐसे क्वेश्चन का क्या तरीका हो सकता है, क्या निकाल पाएंगे, नहीं निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको निकालने के लिए अलग अलग कंप्यूटर का यूज किया जाता है, या तो आप याद कर सकते हैं, अगर निकालने का भी तरीका ढूंढ भी लेते हैं तो भी दिक्कत है, तो अब अगर ये ऐसा स्पेशल क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, अब जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जिनको नहीं पता वो सभी लोग छोड़ देंगे इसको, ठीक है, तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना आएगा इसमें, तो कितना होता है कोई बताएगा हमको, 1.14, तो आप कुछ वैल्यू याद करके जाएगा, अगर ग्रुप डी करना है सर, उत्तरी हो गया, हाँ, या फिर हमारे पास रूट फाइव हो गया, एक दो नंबर तो आप कर सकते हैं, या इस सेम क्वेश्चन तो जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन अगर आया है रिपीट करेगा तो फिर आप यही बोल सकते हैं कि नहीं पहले से पता था, कुछ नया अगर देखिए वो सबको नहीं आएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एग्जाम में रूट टू का मान याद करके तो नहीं गया होगा 2018 में, कि वो भी दशमलव कितने अंकों तक, आठ अंकों तक कोई वैल्यू नहीं आता गया होगा, ठीक है। हाँ, जैसे एग्जाम में भी क्या होगा, अब या तो डिवीजन मेथड इसमें लगाइए, हाँ डिवीजन मेथड लगाएंगे तो करते जाएंगे तो वो निकल सकता है, लेकिन वो डिवीजन मेथड के उसके लिए कौन इतना ज्यादा सोचता है, ठीक है, उससे भी आप नहीं निकाल सकते, एक पेज का सलूशन बनता है अगर डिवीजन में से जाएंगे तो कोई इसको लगाने का तरीके तो है, अगर बेसिक तरीके से लगाएंगे तो, लेकिन वो टाइम टेकने वाले होंगे। इलाहाबाद जॉनसन कितना नंबर कमी की, नहीं समझे, इलाहाबाद जॉन से है कितना नंबर करने से हो जाएगा, इलाहाबाद जॉन से है तो कम से कम मान के चलिए जनरल कैटेगरी में तो 60 से प्लस नंबर होना चाहिए, ठीक है, और पिछले बार से मेरी कमी जाएगी, तो एक ही तरीका याद होना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। अब इसको लगाने के जैसे जो बेसिक तरीका होता है, हम डिवाइड वाइड करते हैं ऐसे कि हम बना लेते हैं इसको 2.00000 कुछ भी लिख लेंगे, 8 डिजिट तक जाना है तो हम एक से भाग देंगे, एक बार फिर यहाँ एक जोड़ेंगे, फिर ये दो आएगा, ये जो डिवीजन मेथड होता है ना पूरा चलता जाएगा तो इतना नहीं आता, ठीक है, किसमें करना है, तो इस तरीके से करेंगे नहीं, करेंगे नहीं। बताइए तो कितना आएगा, जल्दी से बताएंगे सभी, ठीक है, अभी 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 ठीक होगा, हाँ, नाउ साउंड इज ओके। तो इसमें देखिए वैल्यू आप याद करके रखिएगा, ऐसे ये बहुत बड़ा याद भी नहीं होता, 41, 42, 13, 56, ठीक है, और दूसरा कोई अप्रोच नहीं लगाना, ठीक है, लगाने का लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है उसका लग करने का कोई मतलब है नहीं, वर्गमूल निकालने वाला जो होता है पॉइंट वाला, तो उससे आ तो जाएगा लेकिन बड़ा वर्गमूल क्यों निकालेंगे, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे स्पेशली रूट टू के लिए, ठीक है, और ज़्यादा आपको सोचना नहीं इसमें, थैंक यू, वेस्ट करेंगे। निम्नलिखित में से किस संख्या का 7 दशमलव प्रसार होगा, अब देखिए ये क्या वाला, फॉलोइंग नंबर विल हैव डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, वैसे किसका नंबर होगा, पहले इसके बारे में समझना होगा कि क्या होता है 7 दशमलव, क्या होता है और 7 दशमलव, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसमें आगे, ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है इसके बारे में समझिए, जैसे अगर नीचे में हमारे पास, वैसे तो अगर देखा जाए नॉर्मली क्वेश्चन का आंसर निकालना है, निम्नलिखित में संख्या 7 दशमलव प्रसार होगा, और ये होता है आसान, 7 और आसान में क्या होता है, जैसे हमारे पास जो नंबर होते हैं, नंबर हम एक नंबर की बात करते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, तो इसको दो हिस्सों में बांटते हैं, एक आता है हमारे पास शांत और एक आता है अशांत, ठीक है, एक शांत होता है एक अशांत होता है, शांत और अशांत में क्या होगा, रूट थ्री रूट फाइव पर मुझे नहीं पता, मैंने याद नहीं किया, याद कौन करता है, ठीक है, याद करने वाला मैं चीज़ थोड़ी है, आप निकालना है तो निकाल सकते हैं, या फिर अगर पहले से तैयार करना तो खुद से आप भूलेंगे मिल जाएगा, मैं बता दूंगा, तो इसको शांत और अशांत का मतलब एक होता है रिपीटिंग नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, दो तरीके से हमारे पास नंबर आते हैं, एक शांत और एक अशांत, और इसके अलावा भी हमारे पास तीसरा भी आता है जो नॉन रिपीटिंग भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, ठीक है, हाँ इंग्लिश वाले समझेंगे, अभी कटाव के बारे में चर्चा बाद में करेंगे, इसको लिख सकते हैं रिकरिंग भी बोल सकते हैं, रिकरिंग इसको अलग समझ, जैसे कोई नंबर हम देते हैं, जैसे नंबर हमारे पास 1/2 आ गया, एक नंबर 1/5 आ गया, एक नंबर हमारे पास 1/6 आ गया, एक नंबर हमने 1/7 लिख दिया, या फिर और छोटा नंबर लिख दिया हमने 1/3 लिख दिया, तो अगर 1/2 की मैं बात करूँ तो इससे कट जाएगा, या जाएगा 0.5, इसमें भाग देंगे तो ये हमारे पास कट जाएगा 0.2, लेकिन जब इसमें देंगे तो ये 0.33333 और ये कहाँ तक जाता है, इनफिनिट तक, तो ये वाले जो नंबर होते हैं हमारे पास, ये आते हैं 7 दशमलव में, ठीक है, 7 दशमलव,
और ये वाले जो हमारे पास होते हैं, ये भी देखिए p by q का फॉर्म ले लेता है, ये भी p by q का फॉर्म ले लेता है, p by q दोनों बनते हैं, लेकिन इसमें जो होता है ना, ये चला जाता है हमारा अशांत दशमलव, ठीक है, अशांत दशमलव। बोलता था वोट करके अभी फिर से निकला था कुछ दिन पहले, जो हुबली वाला वहाँ पे बनता है, तो वहाँ पे बहुत कम पे हुआ था, 56 अपन के लिए थे, बाद में तीसरा राउंड उनका चला रहा वो टीवी का वेरिफिकेशन, और सिलेक्शन होने के बाद अभी तक उनका भी ज्वाइनिंग हो रही है, जो ज्वाइन करके छोड़ते हैं उनके दूसरा बुलाया था। तो अब ये समझ गया, एक नंबर वाले से एक चीज और ध्यान रखेंगे, 7 दशमलव के नीचे में हमारे पास ये नंबर मिलते हैं क्या, 2 और 5, कहीं भी 2 और 5 अगर हमको मिल रहा है तो ये जरूर क्या होगा कि नीचे नंबर है इसके फैक्टर में, तो ये जरूर इसको काट के एक नॉर्मल नंबर बना देता है, ठीक है। लेकिन जैसे अगर 3 हो गया नीचे में, देखिएगा क्यों का मान अगर हमारे पास 3 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, और क्या बन सकता है, इनके मल्टीपल में आएगा, तो ये हमेशा क्या बनते हैं, अशांत दशमलव में चले जाते हैं, ठीक है, अशांत दशमलव में आते हैं। और जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन में क्या, संख्या का 7 दशमलव प्रसार होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव डेसिमल एक्सपेंशन, तो आप उससे देख के बताइए किस वाले में होगा, खुद से ढूंढिए आप लोग। जैसे ये वाला नंबर तो हमको दिखा कि ये वाला तो कट जाएगा, ये वाला जो हमारे पास है, ये आ गया 24 पूरे में 5, तो 5 भी है और इसमें 2 भी आ जाएगा, ठीक है। इस वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम देखें तो 50 को अगर हम 3 से गुणा कर सकते हैं, इस वाले में हम कर सकते हैं 70 भी है और 2 भी है, चलिए ठीक है, अभी अलग अलग लिखते हैं, बाद में इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 11 गुणे में 10 आ गया, तो ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला अगर हम इसको 10 में भी ब्रेक कर लेंगे, तो 10 है तो ये काट के रखेगा इसको, तो 12 और इसको 10 कर लेते हैं, ठीक है, और ये वाला हम इसको ब्रेक कर लेते हैं 15 और 10 में कर लेते हैं, और ये वाला 14 और 10 में हो गया, तो 10 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमको इसमें निकालना है आपको, हाँ इसमें हमको निकालना है क्या, चलिए देखते हैं पहले उसको, हिंदी ऐसा रहता है ना कि कंफ्यूज कर देता कभी कभी, ठीक है हमेशा। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछा गया है 7 दशमलव, तो पहले तो आप ये देख लीजिए कुछ, अगर इसमें चीजें कट रही है तो काट लीजिए, जैसे ये वाला कट जाएगा 3 से 19 बार में और 3 से 40 बार में। अब यहाँ से 3 हमारे पास कर गया, कट गया, 3 नाम की कोई चीज यहाँ पे नीचे हमको नहीं मिली, 5 2 मिला, इसका मतलब ये पूरा हमारे पास क्या होगा, कट के नॉर्मल नंबर बन जाएगा, तो ये तो हो जाएगा, बाकी इनमें अगर हम देखें तो कुछ कटेगा नहीं, और इसके अंदर हमारे पास कहीं ना कहीं 3 छुपा हुआ है, ठीक है, इसमें हमारे पास कहीं ना कहीं इसमें छुपा हुआ है। इस वाले में देखें हम लोग, तो इसमें भी हमारे पास अगर देखें यहाँ पे, तो ये 11 और 10 होगा, तो ये भी हमारे पास ऐसा नंबर है जो कि रिकरिंग नंबर में चला जाता है, इसमें भी देखें तो ये 14 है और 14 गुड़े में हमारे पास 10 होगा, तो ये 10 तो ठीक है, लेकिन 14 में फिर से हमारे पास 7 आ जाएगा और 7 भी एक ऐसा नंबर है जो रिकरिंग नंबर देगा, ठीक है, और यहाँ वाले हमारे पास 3 है तो 3 देगा ही देगा, यहाँ पे 3 मिल गया, यहाँ पे 7 मिल गया, यहाँ पे 11 मिल गया, और यहाँ पे अगर बनाएंगे कुछ भी नंबर तो 5 × 8 बन जाएगा, ये 8 जो है ना, ये कहीं ना कहीं 2 का ही क्यूब है, तो कहीं भी नीचे में अगर हमारे पास, अगर हमारे पास क्या होगा कि 2 और 5 का से कॉम्बिनेशन बनना है, तो ये जरूर क्या होगा कि कट के शांत हो जाता है, ठीक है। दिल्ली बोर्ड में, अच्छा दिल्ली बोर्ड देखिए, कहीं भी बोर्ड का टेंशन लेना, आप जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं सभी लोगों का टारगेट होना चाहिए मिनिमम 60+, ये जो कमजोर है उनके लिए, और जो बेहतर है वो आप कोशिश करिए 70+ मार्क्स लाइए रॉ मार्क्स, ठीक है, अगर रॉ मार्क्स आपने पूरा 70+ ला रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन, ठीक है, अगर आप यू आर कैटेगरी में, ठीक है, अगर इतना ला रहे हैं कमजोर लोग तो यहाँ भी चांसेस आपका पूरी तरीके से, ऐसा नहीं होगा, 60-70 के बीच में आ रहा तो भी बेहतर, ठीक है, जो क्वेश्चन भेजा बिल्कुल बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लास तो चलिए, यहाँ कुछ रुका हुआ दिख रहा है उससे भी कर सकते हैं अतुल कुमार, बिल्कुल, तो ये तो कॉमन देख के निकाल सकते हैं डिनोमिनेटर के किसमें क्या आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आप बताइए इसमें क्या होगा, इसमें क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या का एक मान 7 दशमलव होगा, ठीक है, एक 7 दशमलव होगा, तो 7 दशमलव आप देख लीजिए, जैसे एक पहला वाला में लिखा 9/5 हो जाएगा, तो दूसरे वाले में 9/5 आएगा, अच्छा इसमें भी आ गया, तो इसमें काटने के बारे में सोचिए पहले, जैसे ये कट रहा है तो काटेंगे, जैसे कट गया इसमें तो ये आ गया 1/5, इस नीचे में 5 है तो ये तो हो जाएगा, इसके अलावा इसको भी काट के देख सकते हैं 3 से 2 बार और 3 से 1 बार 15 बार, तो इसमें कहीं ना कहीं 3 हमको मिल गया, देखिए 5 × 3 मिल जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये वाला भी 3 से हम काट सकते हैं, तो अब 3 से 4 बार 3 से हमारे पास कितना होगा 15 बार, तो इसमें भी हमारे पास 5 और 3 कहीं ना कहीं मिल गया, इस वाले में भी हम 3 से काट तो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कितना आ जाएगा 15 ही आएगा, 15 में फिर से 5 × 3 आ गया, ये 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा हमारे पास पहला वाला ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले में देखिए, इसमें से हमारे पास क्या बोला, फॉलोइंग एंडिंग डेसिमल, और 7 दशमलव क्या होगा, तो काट के देख लेते हैं 12 × 72 1/6, इसको काट लेते हैं, और ये 6 से अगर कटेंगे तो 6 12 बार में, ये वाला हमारे पास क्या होता है 9 × 72 1/8 आ गया, ये वाला हमारे पास कितना आ गया, अगर काटेंगे तो 1/24 आ गया, आप खुद से देख लीजिए, इसमें 3 मिल रहा है आपको, इसमें भी 3 मिलेगा आपको, इसमें भी 3 मिलेगा आपको, इसमें 3 नहीं मिलेगा आपको, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है, हाँ बताइए कमेंट करिए आप अलग अलग अपना, नीतीश बताएंगे क्या बोल रहे हैं, 1/8 वैसे ही बताइए कट के आ जाता है 12.5, ठीक है, तो 12.5% में अगर लिखें तो 12.5 रिकरिंग नहीं होगा, रिकरिंग मतलब जो बढ़ता हुआ चला जाए, कॉमन होते हैं सब, इसमें आसानी से लगा सकते हैं, इसमें बता दिया क्या दिया है, निम्नलिखित में किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा, आवर्ती दशमलव का मतलब कि जो नंबर हमारे पास क्या होता है, एक बार इंग्लिश में पहले रिकरिंग दशमलव, रिकरिंग मतलब जो नंबर रिपीट होते रहते हैं, वही इनडायरेक्टली आपसे पूछा है, तो काट के जो नंबर कर सकते हैं सभी में 56 है नीचे में, तो 7 इसमें कहीं मिलेगा मिलेगा हमको, और हम इसको काट के देख लेते हैं पहले इसमें कहां से 7 कर सकता है, मैं वही देखा इस वाले में 7 कर सकता है, 7/56 और 7 से 3 बार, ये 3/8 आ गया, 3/8 देखिए 37.5 होता है 0.35, ये नहीं जाएगा, ये होगा, बाकी सब में 7 रहेगा, देखिए यहाँ भी 7 रहेगा, कटेगा नहीं 7, यहाँ भी 7 नहीं कटेगा, यहाँ भी 7/8 है तो ये भी नहीं कटेगा, जो 7 से भी इसी में कर सकता है, इसलिए ये वाला क्या होगा कि नीचे में वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 8 और 2 रहेगा 5 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, 11 नहीं होना चाहिए आपके पास, 13 नहीं होना चाहिए, जो नंबर को एक बात चले जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे ज्यादा 3 बेस पे ही देता है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि फॉर्मूला पढ़ लीजिए 3 आता है, 3 नहीं कुछ भी हो सकता, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है जो रिकरिंग होता है, चलिए इसका निकालिए, लेकिन कौन सा आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, अब इसमें ये बताना कौन सा आवर्ती दशमलव है, रिकरिंग नंबर जो रिकरिंग होता है वो चला जाएगा,
तो देख लेते हैं किसमें किसमें कौन कौन सा नंबर कर सकता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम हमारे पास तीन है, तो इसको काट के देख लेते हैं हम लोग, इसको छह से पांच बार और छह से चार बार, तो ये तो नहीं है क्योंकि ये कर जाएगा आसानी से, हमको इस बार एक नंबर ढूंढना है। इसमें हम काट के देख लेते हैं इसमें बनेगा बनेगा, तो इसमें हम चार नहीं बनेगा, और इसके अलावा हम तीन से काट लेते हैं तीस बार और तीन से ये आठ बार, और क्या हो सकता है नीचे में, अगर हम इसको दो से काट लें तो ये पंद्रह और ये वाला कितना आ जाएगा चार, तो इसमें पांच तीन बन सकता है। इसमें क्या बन सकता है, पांच गुणे में तीन बन सकता है, कटेगा नहीं है ये भी चीज हमारे पास, ये तीन क्या होगा कटेगा नहीं, तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा करेंगे। बाकी आप चाहे इसको भी चेक कर लेंगे, हमको यही आंसर मिलेगा तो हम आगे नहीं जाएंगे, बाकी इसमें भी देख चेंगे बाद बारह दो चौबीस बारह पचास, नीचे में पांच कोई दिक्कत नहीं, बारह दो चौबीस बारह हमें तो ये दस आ गया, तो ये भी कटेगा ये भी कटेगा ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये चलता रहेगा रिपीट होता रहेगा, ठीक है। आवर्ती दशमलव मतलब जो नंबर रिपीट होते हुए चले जाते हैं, कोई एक सेम नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान सान दशमलव में प्राप्त नहीं होगा, सान दशमलव में प्राप्त नहीं होगा, मतलब क्या चाहिए इनको, रिकरिंग वाला चाहिए, आवर्ती दशमलव चाहिए। अब आप निकाल के बताइए कौन सा वाला होगा, चलिए चेक करिए जल्दी से लोग, ये क्वेश्चन आपके लिए चेक करने के लिए। अब देखिए पहले किस वाले से कौन सा नंबर कर सकता है, जीरो जीरो जहां मिल जाए तो सीधा काट लीजिए, जीरो जीरो तो इसको ऐसे काट लेंगे। अब ये तीन से कर सकता था आठ बार में, और तीन से कर सकता है पंद्रह बार में, अभी कटेगा नहीं, आठ बार पंद्रह आ गया जैसे, तो अब तो कुछ कॉमन है नहीं, पंद्रह में पांच के अलावा तीन भी आ गया, मतलब ये रिकरिंग नंबर होगा ही होगा। पूछा क्या वो देख लीजिए, कौन सा साधारण दशमलव के रूप में लिखने उसका मान सात दशमलव प्राप्त नहीं होगा, तो ये नहीं होगा प्राप्त, ठीक है। सीधा मैंने पहला चेक किया वही आंसर आ गया, हमने सिर्फ जीरो को चेक करा था, तो यही मिल गया कि इसमें कुछ नहीं कटेगा ऊपर नीचे में, और तीन रहेगा ही रहेगा, तीन रहेगा तो क्या बनेगा, रिकरिंग नंबर बनेगा, ठीक है। एक सात दशमलव हो गया, सात दशमलव चाहिए यहाँ पे, जो कट जाए जैसे ये वाला बारह से बारह बार में, एक बटे बारह बारह मतलब यहाँ पे तीन आ गया, तो तीन आ गया तो ये तो नहीं होगा, हमको सात दशमलव मतलब जो कट जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं तीन से हमारे पास तीन बार, और तीन से कितने बार आ जाएगा, तीन से चार बार चला जाएगा और आठ बार आ जाएगा, और अभी तीन से भी कट जाएगा, ये एक बटा सोलह हो जाएगा, तो ये तो यही बैलेंस हो गया, एक बटा सोलह ही होता है हमारे पास पॉइंट सिक्स टू फाइव, ठीक है। तो पहले जाएगा एक शांत दशमलव होगी, इस बार शांत दशमलव पूछा है, शांत नहीं पूछा है, ठीक है। देखिए हम अरे इसमें देखेंगे अगर हम तीन से काटेंगे, अच्छा नहीं यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे तीन नहीं बचेगा ना ऊपर में, फिर कैसे होगा, तो गलत कर दिया गया, छह से काटेंगे तो देखिए एक बटा छह दुना बारह, छह तो एक बटा चौबीस, और एक बटा चौबीस तो आठ तीन होता है, तो ये भी गलत है। और इस वाले में हमारे पास क्या था, बारह से बारह बार, एक बटा बारह ये भी नहीं होगा, इसमें देख लेते हैं तीन से कितने बार आ जाएगा, तीन से चार बार और तीन से आठ बार, एक बटा अड़तालीस, और इस वाले में हमारे पास कितना आ जाएगा, नौ से काट लेते हैं, नौ से एक बटा सोलह बार में, ठीक है, एक बटा सोलह, तो ये डी वाला सही होगा, एक बटा सोलह में तीन नहीं आता, ना कोई ऐसा प्राइम नंबर मिलता है, चार चार है दो है तो चल जाएगा, दो आ जाए चार आ जाए आठ आ जाए पांच आ जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी नहीं होगा, डी होगा, डी वाले सही होगा, ठीक है, गलत नहीं करना, ध्यान से देखिए, हाँ डाउट से रखने का प्लान कर रहा हूँ, कोई डाउट इसमें बताइए, देखिए इन सभी में नीचे में तीन बच जाएंगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, बस यही है, जिसमें ये एक बटा सोलह आ जाएगा, और सोलह में कहीं पे भी हमारे पास तीन या सात या ग्यारह या फिर तेरह या उन्नीस या सत्रह या उन्तीस इकतीस तिरालीस सब नहीं बनते, ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा। तीन पे ज्यादा देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तीन पे ज्यादा देता है तो तीन ही हमेशा मिलेगा, सात भी हो सकता है, ठीक है, ग्यारह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, साधारण भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, तो हमने सीखा जैसे पॉइंट जीरो फोर सेवन सिक्स वन नाइन, ये सभी नंबर ऊपर में बार है, तो इनको हम वैसे लिख लेंगे, और जितने नंबर बार होता है एक दो तीन चार पाँच छः, तो उतने बार नौ लिखेंगे, नौ तीन ये छह बार हो गया, यही था ना, रिटेन एज अ सिंपल फ्रैक्शन इक्वल टू एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ऊपर में जीरो का मतलब है नहीं, लेकिन जीरो को हटा देंगे, उसके बाद भी इनको हम काट के देखेंगे किससे आएगा, अगर कटने वाला है तो जरूर कटेगा, जैसे ये लास्ट में नौ है तो नौ या तो नौ बार में गुणा करने पाता है, नहीं नौ बार नहीं आएगा, तो नौ का टेबल हम एक बार ले सकते हैं, तो देखते हैं कि एक लास्ट में हमारे पास इसमें नौ से भाग देंगे, नौ नौ इक्यासी नहीं बनेगा, सात नौ तिरसठ नहीं बनेगा, तीन नौ सत्ताईस बनेगा, मतलब पहला वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक बार तो भी चक्कर देख लेंगे, क्योंकि जब इक्कीस बार टेबल बनेगा तो एक का गुणा नौ होगा तभी नीचे में नौ आ सकता है, ठीक है, तो हमने पहला ऑप्शन से गुणा करके देख लिया बिना भाग दिए, जैसे अगर ये उन्नीस आता है मतलब नौ गुणा नौ, अगर नौ बार जाएगा तो फिर ये एक बन जाएगा ना, हमको यहाँ नौ चाहिए, इसमें कैसा नंबर से गुणा करना है जो यहाँ नौ आ जाए, तो नौ का गुणा अगर नौ में करेंगे तो यहाँ एक आता, तीन गुणा नौ करते यहाँ सात आता, सात गुणा नौ करते यहाँ पर तिरसठ आता, तो ये एक बचा एक गुणा नौ आता, तो यही सही होना चाहिए, ठीक है, तो सिर्फ कॉमन सेंस लगा के गुणा कर लिया, बाकी भाग भी दे सकते, भाग में टाइम का आता है, क्योंकि ऑलरेडी भाग के आंसर दिया था, हम क्यों दोबारा भाग दें, कोई ना कोई इसी में से होगा, चेक कर लिया कौन सा वाला है, अगर दो ऑप्शन होता तो उन दोनों को गुणा करके देखते हैं, ठीक है। पॉइंट सिक्स देखिए यहाँ पर एक ही नंबर ऊपर है, तो इसको सीधा लिख देंगे छह बटा में नौ, और ये कट जाएगा तीन से दो बार, तीन से तीन बार, दो बटा तीन कहाँ गया, ये वाला, ये तो ईजी था, इसमें कुछ नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सी साधारण जब दशमलव के रूप में लिखी जाती है तो समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होने का मतलब कि वो एक तरीके से आसान दशमलव है या रिकरिंग नंबर है, आवर्ती दशमलव है, जो भाग देते हुए चला जाएगा, कोई भी चेक करिए, जो भी आप शुरू कर सकते हैं इसमें से, जहां से भी, तो हम शुरू करते हैं नीचे से, तीन से काट लेते हैं सात बार और तीन से काट लेते हैं दो सौ बार, अब नीचे में कोई हमारे पास नहीं है ऐसा जो कि इसमें तीन कहीं से लाते दो सौ में, तो ये तो गलत हो गया, इसमें जीरो से जीरो कर दिया और ये आठ बटा में पंद्रह आ गया, क्या कुछ और कटेगा इसमें, पांच गुणे में तीन, अब नहीं कटेगा, तो ये तीन इसमें रहेगा मतलब यही वाला होगा, इसी आएगा इसमें, सी में भी ऐसे बन रहा, सी भी चेक कर लेते हैं, तीन पच्चे पंद्रह और तीन से ये सोलह तीन अड़तालीस, तो ये तो कट जा रहा है, सोलह में तीन कहाँ है, तो ये तो गलत है इसमें, यही वाला होगा जो आ रहा है आठ बटा पंद्रह, बी वाला होगा, हाँ चैप्टर वाइज चलेगा, अभी तो समझ पाएंगे, हाँ चैप्टर को समझना इसमें, इसको देखिएगा पॉइंट जीरो टू थ्री सिक्स, देखिए इसमें दो ही नंबर बार है, तो नंबर तो पूरा लिख लेंगे वैसे, और जितने नंबर बार नहीं होता ना उसको इसमें घटा लेते हैं, और जितने नंबर बार होता है उतना नौ, और जितने नंबर बार नहीं होता है उतना जीरो, इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, ये आ जाएगा दो सौ चौतीस बटे में नौ नौ जीरो जीरो, ठीक है, आई थिंक ये वाला आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी कल ही परसों लगा रहे थे, प्रैक्टिस में आया था, मतलब प्रैक्टिस आप लोगों का आया था, अभी थ्योरी का मिला हुआ है, ठीक है, थ्योरी अपलोड है, थोड़ा डाउनलोड करिए, लाइव चैट बिल्कुल दिखाई दे रहा है, सब लोग अलग अलग चैट में आते हैं बॉक्स में, जैसे आपको जैसे जिसमें रंजीत है उसमें लोकेश का दिखाई देगा, भागीरथ का दिखाई देगा, विद्या का दिखाई देगा, जिसमें नीतीश है उसमें विशाल का दिखाई देगा, लल्लू का दिखाई देगा, सरोज का, राजू पटेल, ये लोग एक साथ हैं, तो जिनका जिनका ग्रुप में उन्हीं का देख सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी इसका बता देते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे भी हमारे पास असान दशमलव वाले होते हैं, इसमें दो ही तरीके से कुछ नहीं बनते हमारे पास, दो टाइप के, एक टाइप वन और एक टाइप टू, टाइप वन में क्या होता है कि जो नंबर दिया होगा उस नंबर के ऊपर में बार लगा होगा सभी पे, देखिए टाइप वन वाला हमारे पास क्या होता है कि जो नंबर दिया होगा वो सभी नंबर के ऊपर बार होते हैं, ठीक है, मैं लिख दिया, जैसे हमारे पास तीन डिजिट है, तीनों को ऐसे लिखेंगे और जितने बार बार लगा हुआ है नंबर होंगे उतने बार नौ, इसमें भी तीनों लिखा हुआ है एक सौ तिरपन लिखेंगे और इसके नीचे में नौ नौ नौ,
इसमें भी देखिए हमारे पास कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच है, तो हम लिखेंगे जीरो एक दो तीन चार और इसमें पाँच बार नौ आ जाएगा। इसमें हमारे पास तीन शुरू में तो इसको ऐसे लिख लेंगे प्लस 568 बटे में कितना तीन बार है तो तीन बार आ जाएगा। इस वाले में दो आ गया तो दो प्लस 231 बटे में 999 आ गया। तो पहले टाइम में क्या होता है कि सभी नंबर बार होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा चीज, दूसरा हमारे पास क्या दूसरा आता है इस तरीके से 0.123 के ऊपर बार हो गया, 0.123 इसके ऊपर बार आ गया, 0.1234 इसके ऊपर बार आ गया, ऐसा दे सकता है ठीक है, 0.1234 इसके ऊपर बार आ गया, इस तरीके से बन सकता है इसमें। तो इसमें जो हम सॉल्व करते हैं जब सभी नंबर बार नहीं होता है इसके आगे चाहे तो कुछ नंबर लगा लो से फर्क नहीं पड़ता। तो अगर जैसे यहाँ 123 के ऊपर ही बार है तो इस नंबर को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, तो जिस पे बार नहीं होता है ना उसको इसमें घटाना पड़ता है, और जितने नंबर के ऊपर बार है उतना 9 आएगा और जितने नंबर पर बार नहीं है उतना 0 आएगा। यही कॉन्सेप्ट है, मतलब 122 बटे में 990 कट जाए तो काट लेंगे। जैसे इसमें भी 123 से 123 लिखेंगे, इसमें बार देखिए दोनों पे नहीं है, इन दोनों को इसमें घटा लेंगे और जितने नंबर पर बार होगा उतना 9 और जितने पर नहीं होगा उतना 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 111 बटा में 900 जैसे इसमें लिखेगा 1234 हो जाएगा और इसके नीचे में हम घटाएंगे क्या, ये 12 को घटा लेंगे इसमें नहीं है, और इसके नीचे में देखिए इस दो पे बार है तो दो बार 9 और जिस पे बार नहीं होगा उतना बार 0। इसको भी देखिए 1234 तो होगा ही होगा, माइनस में देखिए इस बार एक ही नंबर हमारे पास, एक ही होगा, तो जितना नंबर पे बार होगा उतना बार 9 आना ही फिक्स है और जिस पे नहीं होता उतना 0 होता है। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं आवर्ती दशमलव, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिकरिंग नंबर ठीक है। तो दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर कभी नंबर वाले दो अगर लगा था तो यहाँ पे दो प्लस कर लेते बस और कुछ नहीं करते अगर आता है तो ठीक है। देखिए अगर हमको बदलना है इसको कितना आवर्ती दशमलव में, एक भाग देखिए बदल सकते हैं, या तो ऐसे सोचिए कि 7 है नीचे में 11 है, इसमें अगर 9 से गुणा कर लें 9 से तो ये वाला हो जाएगा 7 9 63 बटे में 99, क्योंकि हमको चाहिए 9, दो बार 9 का मतलब समझा यहाँ 0.63 के ऊपर बार होगा, नीचे में दो बार 9 है इसका मतलब 0.63 के ऊपर बार होगा, यानी कौन सा आंसर बी वाला हो जाएगा। हमने 9 बना दिया, एक तो ये तरीका हो गया 9 बना ले, अगर आपको नहीं आता है तो आप भाग देकर भी निकाल सकते हैं ऐसे 7 है और 11 से भाग देंगे यहाँ पॉइंट लगा देंगे 70 हो जाएगा, 11 6 66 फिर यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 40 कर लेंगे तो 11 3 33 और यह आ जाएगा 7 फिर 70 हो जाएगा, फिर 11 6 66 और फिर यहाँ 4 आ जाएगा और फिर 11 3 33 हमको दिख गया कि यही नंबर रिपीट होता जा रहा है दो का पेयर। तो या तो नीचे में 9 9 बनाने की कोशिश करिए, सारे नंबर 9 बन जाए तो भी आप निकाल सकते हैं हिडन पॉल से, क्योंकि नीचे में 1 1 9 9 ही मिलता हमको। जैसे यही क्वेश्चन आपके पास इसको बदल के दिखाई 0.0836 अभी हमने सिखाया था, अब इसका आंसर बताइए हमको, सब लोग ट्राई करिए इसमें कि क्या आएगा। बताइए देखिए क्या करना है इसमें, 8 3 6 में से हमको घटाना है 0 8 और इसमें हम भाग दे देंगे, दो बार हमारे पास है 9 और दो बार 0 है जो दो बार नहीं है, तो 836 है और इसमें से 8 घटाना है तो 828 हो जाएगा और इसमें हम 9 9 0 0 से भाग दे देंगे, तो ये नंबर हमारे पास ये वाला दिख रहा है डी वाला, कर सकते हैं 0 आगे लगा लीजिए नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काउंट करेंगे उसको। अब इसको हमको बोला है कि आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने में किसके बराबर होगा, रिटर्न रिकरिंग दशमलव व्हाट विल रिपीट, एक बटा 50 हमारे पास 450 है तो रिकरिंग नंबर तो आएगा ही आएगा, लगभग किसके बराबर होना चाहिए, तो क्यों नहीं इसको डबल कर दें, डबल कर दें तो ये हमारे पास दो बटा में कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा पैसा कर सकते हैं, इसमें दो से गुणा कर दिया 900 हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये दो जीरो आया है इसका मतलब इसके आगे में दो जीरो रहा होगा, मतलब दो डिजिट खाली रही होगी और ऊपर में एक बार है तो बार इसी पे लगा होगा तभी ऐसा लिखा होगा, क्या इसको देख के आप समझ पा रहे हैं कैसा ही बना होगा, ध्यान देखिएगा। और इसमें बार लगाना भूल गया इसलिए थोड़ा सा बार लगा दीजिए क्वेश्चन में ठीक है, एक नंबर या दो नंबर जो भी होगा तो ऐसे बार लगना चाहिए ऑप्शन में जो नहीं दिया होगा तो मिसप्रिंट हो गया होगा। तो यहाँ 9 देखिए हमारे पास एक बार 9 आया मतलब एक ही नंबर ऊपर बार होगा पहला चीज, और यहाँ दो जीरो इसका मतलब दो डिजिट के पहले खाली होंगे, वो नंबर कुछ भी यहाँ नंबर दिया होता तो नंबर था नंबर नहीं दिया तो 0 मिला ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास ये वाला हो जाएगा और हमने 9 बना दिया इसको, अगर बन जाए तो नहीं बने कोई बात नहीं, भाग देना तो आपको आता है ठीक है, भाग तो देखिए निकाल लेंगे। अब कौन सा वाला इसमें रिकरिंग नंबर है ये निकालना है, तो नीचे में 3 आ जाए 7 आ जाए और कटे भी ना वो आ जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए हम रिकरिंग निकालना चाहते हैं तो 3 से ये 9 बार में कट जाएगा 3 से ये 20 बार में, तो अब इसमें देखिए 3 खत्म हो गया तो ये तो गलत हो गया, इसमें अगर देखें तो 3 से ये 9 बार आएगा 3 से ये 24 बार आएगा ठीक है, 24 9 72 9 3 से 3 बार 3 से ये 8 बार तो ये भी खत्म हो गया, 8 आ गया तो 3 नहीं आएगा, 3 से ये 9 बार और 3 से ये 16 बार तो ये भी गलत हो गया। अब बच गया एक तो ये वाला सही होगा, इसमें नहीं बचेगा 3 से 9 बार 3 से 16 बार, 16 में तो 3 आएगा नहीं तो 7 नहीं आएगा, इसमें नहीं ये देखिए ये बच जाएगा हमारे पास में 14 और 6 आ गया तो 3 तो कट जाएगा, लेकिन ये 14 में जो 7 है ना ये फंस जाएगा, इसमें 7 कटेगा नहीं ऊपर से 7 इसका फैक्टर नहीं, तो यही डी सही होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा नहीं होगा, पूरा नंबर विश्वास कर सकते हैं आसानी से, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, पूरा नंबर ला सकते हैं, थोड़ा माइंड आपका फ्रेश होना चाहिए एग्जाम देने से पहले 100% आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे आप देखिएगा लोग पढ़ रहे हैं इसी में से लाएंगे, पहले से डरना नहीं आपको ठीक है, पहले से डर जाए और नहीं आएगा पूरा नंबर, क्यों नहीं आएगा पूरा नंबर, इसको अगर फ्रैक्शन बदलेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 99 ये एक है, तो क्वेश्चन बोला अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूँ तो ये 9 कितने बार आएगा, देखिए यहाँ एन जो है ना एन का मान कितने बार है 2 बार, कितने बार है 2 बार, आंसर क्या हो जाएगा 2 बार, इसमें अलग क्या दे दिया 2 बार है ना रिपीट नंबर से या फिर डेसिमल फ्रैक्शन से। अब ये कॉमन क्वेश्चन हो गया, पॉइंट ही है ऊपर में जाकर 10^-3 हो जाएगा ये वाला, देखिए 10^-3 होता है, अब इसको भी चाहे ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणे में अगर 10 से और गुणा करते हैं ऊपर नीचे तो ये इधर 10 लगाएंगे तो 10^-4 हो जाएगा और ये वाला सही जाएगा, या ऐसे देख लीजिएगा ऐसे समझिएगा 0.3/1000 ऊपर नीचे 10 से और गुणा कर लीजिए तो ये 3/10^4 हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, इसी को समय टाइम नहीं वेस्ट करना है ठीक है। अच्छा 9 4/9 और भागे में 12 है तो इसमें बड़ा वाला फैक्शन कौन सा, ये वाला है बड़ा वाला, इसको ध्यान दे रखते हुए तो अब ये नंबर है इसके नीचे 1 लिख लेंगे तो ये ऊपर जब जाता है इस बड़े वाले की तुलना में 4/9 और ये ऊपर जाएगा तो 1/12 आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला था ये नीचे रहता तो 4 से कट जाएगा ये 3 बार में 1/27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/27, तो ये ध्यान रखें अगर ए बाई बी लिखा है और बड़ा वाले के नीचे हमारे पास एक्स बाई वाई लिखा है तो ये जो होता है ए बाई बी और ये ऊपर में वाई जाता है नीचे में एक्स आता है, ये बेसिक रूल आपको आइडिया होना चाहिए ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया इसके नीचे में तो हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं ठीक है, 1 ऊपर चला जाएगा मतलब ये वाला ऊपर चला जाएगा, इसमें देखा होगा कौन सा वाला सबसे बड़ा नंबर है, द्युत्क्रम अनुपात का मतलब होता है उसका रेसिप्रोकल, जैसे इसको अगर हम गुणा कर लें तो 2 1 3 1 3 2 5 5/3 है 5/3 है तो इसका द्युत्क्रम अनुपात पता चलेगा 3/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सर ठीक है।
ठीक है, इजी, रेशियो को बस उल्टा कर दिया। अभी बोला कि इसका न्यूनतम भिन्न का मान ज्ञात करें, तो ऐसे कर लेंगे, बहुत कॉमन है, चार को अलग कर लीजिए और 0.025 को अलग से इसमें भाग दे देंगे, तो चार तो ये हो गया, तो 0.025 में हम 1000 से भाग देंगे, तो 25 से कट जाएगा कितने बार में, 40 बार में, तो चार सही 1/40 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना, तो चार को 160 और 141/40 हो जाएगा, कॉमन है, बस भाग देना और लगाना है, इसको ब्रेक कर लेंगे, उसमें वाले को अलग कर लेंगे, इधर वाले को भाग देंगे, कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरे में ऐसा नहीं कर लेंगे कि 4 2 2 5/1000 करके करेंगे तो भी आ जाएगा आंसर, ठीक है, लेकिन फिर वही काटना पड़ेगा ज़्यादा, 4/11 के समान नहीं है, तो 4 के टेबल में ये आता है 16 बार में, 16 और ये आता है 16 बार में, आ रहा नहीं आ रहा, तो 16 गुणा कर लेंगे तो 6 7, तो ये तो आता है, मतलब इसको छोड़ देते हैं, 4 के टेबल में ये 5 गुना पे है और ये भी 5 गुना पे है, तो ये भी सही है, 4 के टेबल में ये 84 आएगा हमारे पास, तो 4 2 8 4 1 कम, तो 4 2 8 4 1 कम, 4 2 8 21 गुना पे, तो 21 का इसमें अगर कर लेंगे तो क्या आएगा, 21 का 11 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 1, तो ये वाला नहीं आएगा, सी वाला, यही गलत हो गया, ये भी ठीक है, 4 8 32 11 88 सी वाले में नहीं बन रहा, तो सी इसका आंसर सही होगा, बदल लीजिए, तो सीधा है, 2 को छोड़ जैसे 2 और 1/25 को हम क्या लिखते हैं, 1/25 होता है 0.04 होता है, कौन सा वाला, ये वाला भाग देना 25, 1 10 लगाएंगे, 1 0 लगाएंगे, नहीं होगा, एक बार फिर 0 लगाएंगे तो 0.04 होता है, सीधा सीधा भाग देना, 2 तो आएगा ही आगे में, जो 2 है ये कहाँ जाएगा, किसी दिन में कितने कितने भिन्न, 7 मिनट 12 सेकंड, दिन दिन की बात किया, दिन में कितने घंटे होते हैं, दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, और ये 7 मिनट है, 7 मिनट का मतलब देखिए, 7 मिनट का मतलब 7 × 60, तो ये आ जाएगा सेकंड +12, तो 6 7 42, 420 + 12, 432 सेकंड हो गया, 432 सेकंड, तो इसको हमको घंटा में बदलना था, चाहिए थी सेकंड में लगा लीजिए, तो 432 सेकंड, और एक दिन में 24 घंटे, घंटे को मिनट बदलने के लिए 60 से गुणा और सेकंड बदलने के लिए 60 से गुणा, अब इसको आपको काट लेना जो जिससे कट जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 से काटते हैं सबसे इजी, हमको 4 से 6 बार, 4 1 4 4 8 32, 108 आ गया, और 6 × 6 36, 36 से 3 बार, यहाँ 10 बज गया, और 3 से 1 कितने बार में, 20 बार में, 1/200 300 कहाँ आ रहा है, 6 × 6 36 10 200 आ रहा है, देखिए एक बार सही से भाग देखिए, ठीक है, कितना आ रहा है, 1/200 आ रहा है, क्या पूछा, इसको बदलना है भिन्न में, करना नहीं, करना नहीं पूछा आपसे, तो भिन्न बदलने के लिए बोला कि इतना मिनट 24 घंटे कितना होगा, बस ये बताना, फ्रैक्शन बनाना था, आवर्ती दशमलव नहीं पूछा आपसे, ठीक है, ना तो आपसे ये पूछा कि क्या होगा, ये फिर हमने देखिए, ये देखिए कितना सेकंड है, ये 7 मिनट मतलब 432 सेकंड लगा, और टोटल कितने सेकंड होते हैं, 86400, 86400 लिखेंगे, याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, कि ये हमारे पास 24 घंटा 60 से बढ़ाएंगे तो मिनट बदल जाएगा, फिर 60 करेंगे तो सेकंड बदल जाएगा, किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का जो योग है उतना दिमाग है, इसमें मुझे ऐसा नहीं दिख रहा, जिसमें किसमें कौन सा नंबर हो सकता है, अब इसमें देखिए हमारे पास कितना आया था, 157/66, अब क्या क्या नंबर इसमें अलग अलग हो सकते हैं, 2 कोई भी नंबर हो सकता है जो दोनों को जोड़ने पे आ सकता है, तो हमको क्या करना, बड़ा नंबर पूछा है, इसका मतलब कि एक नंबर बड़ा होगा तो दूसरा वाला छोटा होगा, तो ऑप्शन से हम जुगाड़ लगाते हैं, कैसे, तो 22 और 15 कितना आ जाएगा हमारे पास, 22 और 15 हमारे पास 22 15 33/22 आ गया, ठीक है, 5 6 और 5 11/6 आ गया, इस वाले में देखेंगे हम लोग, 33 और 20 हमारे पास कितना हो जाएगा, 53/33 और 11 5 16/11, अब ये दोनों नंबर है, अगर इसमें से हम कोई भी नंबर ले लेते हैं तो ये सेट तो हमारे पास हो ही जाएगा, अब देखिए चलिए चेक करते हैं, इसमें से जैसे मान लीजिए हमने ये वाला लिया है तो किसमें आ रहा है, अगर 37/22 है इसका उल्टा जोड़ देंगे 22/37 कितना 37, क्या इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास ये वाला बनेगा, तो हम देख रहे हैं कहीं से भी ये 66 नहीं बनेगा, तो इसको तो पहला गलत कर दिया हमने, फिर हमने दूसरा वाला लिया कि 11/6 है और 6/11 जोड़ के देखते हैं, तो ये हमने देखा तो ये नीचे में 66 आ रहा है इसमें, तो 11 × 11 121 और 6 × 6 36, तो ये 157 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 157/66, तो ये वाला सही आ गया, बी वाला ऑप्शन, ऑप्शन से जाना ही सबसे बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ कोई डेटा है नहीं हमारे पास पूरा डेटा नहीं, तो हम ऐसे ही जुगाड़ से लगाने से बेहतर है कि हमारे पास इन्हीं में कोई देख लेते हैं, ये नंबर इसका उल्टा करके जोड़ेंगे, ये नंबर इसका उल्टा करके जोड़ेंगे, ये नंबर इसका उल्टा करके जोड़ेंगे, इसका उल्टा करके, जिसमें ये वाला नंबर मिल जाएगा, सही वाला नंबर हमको, वही वाला हमारे आंसर होगा, तो चेक करना ही पड़ेगा ऑप्शन से, क्योंकि ऐसे हिट एंड ट्रायल में नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन करना पड़ेगा, अब इसको जोड़ना है तो इसमें कुछ नहीं, वही सेम क्वेश्चन है, बस लिखा नहीं यहाँ पे, तो इसका बड़ा इधर, इसका बड़ा इधर, इसका बड़ा इधर, तो 25 + 121/55, तो यहाँ आ जाएगा 6 4 1/55, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, ऐसे सीरीज में पूछा, लेकिन अब दे दिया है आधा दूरा, तो ऑप्शन के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं, ठीक है, एक धनात्मक भिन्न उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर दिया है, अब ये भी वही सेम क्वेश्चन पूछा गया, वही तो इसमें हमको तो भिन्न है उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, तो इन्हीं में से कोई चेक करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास 32/5 है, तो इसको घटाना होगा 5/32 से, अगर इनके बाद हमारे पास ये नंबर आना चाहिए, ये नंबर, ठीक है, ये नंबर मतलब कितना, तो चेक करना कितना आ रहा है, 16 6 96 960 + 39 / 140, ये आएगा कितना, वो तो देख ले, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 6 3 9 999 आ गया और 160 आ गया, तो अब देखिए क्या इसमें आ रहा है, 32/32 हमारे पास 1024 आता है, अब इसमें 25 कर लेंगे घटा लेंगे, और नीचे में 160 ही आएगा, तो इसका बड़ा इधर, इसका बड़ा इधर, तो इसमें घटा लेंगे तो ये 999 ही आएगा, तो पहला ही आंसर हमको मिल गया, जिससे हमारा कैलकुलेशन कम हो गया, अगर ये पहला के जगह पर चौथा होता तो हमको सकता 3 और करने पड़ते सवाल, और करना ही पड़ेगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन नहीं, इसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगा सकते हैं, इसमें 160 नीचे में है तो 5 चाहिए हमको, क्योंकि इसमें 0 है तो 5 होगा 10 होगा, ऐसे नंबर आएंगे, ठीक है, वैसे तो 8 वाले भी आ जाता है, चेक करना ही पड़ेगा, मैक्सिमम किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11 है, तो उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम के घनों का अंतर कितना होगा, अब ये तो थोड़ा सा फंसा दिया क्वेश्चन, ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन कहाँ से कहाँ बनाते हैं लोग, ग्रुप डी वाले जाने क्या क्या करते हैं, मैं भी सब क्वेश्चन पहली बार देखा हूँ आप लोग, मैं सब लगाने की, मैं तो ऐसे आसान क्वेश्चन करना नहीं पड़ता, इनका सर पैर दोनों अलग अलग होते हैं, और इस क्वेश्चन क्या भिन्न उसके व्युत्क्रम का अंतर दे दिया, ठीक है, अंतर तो हम लिख सकते हैं, लेकिन उनके व्युत्क्रम के घनों का अंतर, तो हमको घनमूल निकालना पड़ेगा, ऑप्शन के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं दिखा इसमें, तो पहले तो इनका घनमूल निकाले, किसका घनमूल बनेगा, कि इसमें क्या होगा, तो घनमूल वाला हमारे पास ये नंबर है यहाँ पे, और अच्छा अंतर ही दिया हुआ है, फिर अंतर में कैसे करेंगे, दोनों में हमको ये दिया, तो एक बार हम चेक करते हैं, कोशिश करते हैं, मान लीजिए हमारे पास ए बाई बी है और इसके बी बाई ए है, इसका अंतर 9/11 दिया हुआ है हिट एंड ट्रायल में, और आपसे पूछा कि इनके इसके बाद व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर, मतलब ये पूछा गया है a³ - b³ और अपान में b³ - a³, ये बन जाएगा, ये ठीक क्वेश्चन है, तो मैंने देखा नहीं पूरा और मैंने इसको क्वेश्चन को गलत बोल दिया, ये तो इजी निकल गया, ये हो जाएगा क्यूब और प्लस में होगा 3 × 9 × में कितना हो जाएगा हमारे पास 11, अब ये चीज़ हमने पढ़ा भी है,
हाँ ये ठीक था, ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक था, अलबरा क्वेश्चन था, बस नंबर सिस्टम में डाला गया, तो उसको गलत तो नहीं बोल सकता, इतना मैंने बोला इसके बारे में। अब ये वो पिछला वाला उल्टा था, ये वाला तो सीधा है, कम से कम क्यूब के बारे में आपको पता है ना कि कोई नंबर होगा, जैसे हमने अलबरा पढ़ा ऐसे, मान लीजिए एक ड्रेन को मान लिया एक्स बटा एक है, तो इसका अंतर 1 बाई एक्स का अंतर हमारे पास दिया 9/11, तो क्या ये नहीं पढ़ते हम अगर इसी का क्यूब कर दें और इसी का क्यूब कर दें, तो ये तो निकालना हमको आता है कि जो नंबर होता है उसका हम क्या करते हैं क्यूब और प्लस में इसी का 3 गुना कर लेते हैं, ये भी सीखे थे। तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, 11 क्यूब कितना होता है 1331, प्लस में 27/2 में कितना आ जाएगा 11, अब यही करना हमको, ठीक है, ये नंबर हमको जोड़ लेना जिसमें देखिए हमारे पास आ जाए इसमें के क्यूब प्लस 3 के होता है, दोनों के घनों का अंतर क्या होगा, ठीक है, ये प्लस में आएगा पहला चीज, तो माइनस वाला तो हम वैसे भी गलत कर देंगे, तो प्लस वाले में हमारे पास एक ही दिख रहा है, हमारे पास या तो ये होगा या तो ये होगा, अगर बन सकता है तो हम देख लेते हैं कौन सा वाला बन सकता है इसमें, अगर इनका हम जोड़ लेते हैं इसको, अगर इसको 1331 कर लें यहाँ पे, तो 1331 से एक बार जाएगा तो ये 729 हो जाएगा, 11 से ये 121 बार में जाएगा, तो 121 कूड़े में 27 यहाँ पे आ जाएगा, 7 और 9 16, 6 वाला ये आ रहा तो यही वाला जाएगा, यही मिल जाएगा हमको 3996/1331, ये तो पढ़ी आप लोग, ठीक है, तो सी वाला सही होगा, अब ठीक है, ये तो हमने किया था, ठीक है, अलबरा में ऐसा किया, थोड़ा ध्यान देना होता है, कभी एक तरीके का बेकार क्वेश्चन मिलते हैं तो बाकी क्वेश्चन गलत लगने लगते हैं, चलिए ठीक है, इजी था ये, अब देखिए नॉर्मल सिर्फ फ्रैक्शन के एडिशन पे और सबट्रैक्शन पे क्वेश्चन, तो रूल यही बोलता है पहले तो जोड़िए जो नंबर, ये वाला जोड़ने वाले हैं, इन तीनों को आप जोड़ लीजिए पहले, जैसे हमारे पास क्या 3/15 13/14 प्लस 31/35, और फिर उसके बाद इनको घटा लीजिए, वैसे 19/21 माइनस 23/30, इनको घटाना है बाद में, इनको जोड़ के इनको घटा लीजिए, अगर कुछ नंबर कट जाए तो उसको काट भी सकते हैं, जैसे ये वाला से कट जाएगा 3 से कितने बार में 1/5 बार में, और कोई नंबर इसमें 13/14 तो कटेगा नहीं और 31/35 भी नहीं कटेगा, जोड़ सकते हैं यहाँ पे, और इनको भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये 19/21 प्लस 23/30 ऐसा भी हो सकता है, तो 35 दिख रहा है हमको, यहाँ पे 7 दिख रहा है, 7 5 दोनों मिलने चाहिए हमको, तो 21 वाला तो हमारे हिसाब से नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें हम देखो जुगाड़ लगा रहे हैं अभी, ठीक है, 7 भी है और 5 भी है, तो ये नहीं बनेगा, और ना तो ये वाला बनेगा ना तो ये वाला बनेगा, ये हो सकता है, ये सही नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ ऑप्शन से देख के लगा कि कौन सा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ऊपर नीचे से 7 कट भी जाए और ये वाला भी आंसर आ जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो अभी तक क्वेश्चन को देखकर हमने सोचा कि ये हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन ज्यादा चांसेस, लेकिन हम इस तरीके से नहीं जाएंगे, ऊपर नीचे नंबर कट गए और ये वाला सही होगा तो फिर कैसे क्या करेंगे, तो हमको इसको जोड़ के लगाना ही पड़ेगा, तो हमने इसका ले लिया क्या एलसीएम, ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 65 और ये आ जाएगा 21/62, ठीक है, ये इसका हिस्सा हो गया, इस वाले में हम देखिए क्या कर सकते हैं, 21 और वो है, तो ये आ जाएगा 7/3 और ये आ जाएगा 10/3, तो 3/7 21 तो चाहिए चाहिए, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 3 हो गया, और यहाँ पे 21 के साथ साथ हम 10 का गुणा कर लेते हैं, 210 ले लेते हैं, तो देखिए ये वाला इसे 10 बार में जाएगा तो 190, और ये वाला इसे जाएगा 7 बार में तो 7 का गुणा कर लेंगे इसमें हम 7/3 21 1 7 2 14 और 2 16, अब इतना कैलकुलेशन हमको दिखाया यहाँ पे दोनों को करना, फिर उसके बाद भी इनको 3 गुना करके जोड़ना घटाना है, ये आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश टीचर बिल्कुल आएंगे, अभी वेट करिए और बहुत सारी क्लासेस हमारे पास चल रही है, देख लीजिए कितना आ रहा है, सी आ रहा है या फिर डी आ रहा है, जो भी आ रहा है ये खुद से कर लीजिएगा जोड़ घटा के, ये भी कर सकते हैं, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, 1/6 भिन्न में क्या घटा, भिन्न में घटाने पे 1/13 था, भिन्न क्या होगा, तो 1/6 में किसी भिन्न को घटा दिया जाएगा, किसी भिन्न को मान लीजिए घटा लिया x/y को, तो ये वाला हमारे पास 1/13 है, तो 1/6 - 1/13 बराबर में x/y, इसको इधर लेते हैं और इसको इधर लेते हैं, तो 13 में से 6 गया हमारे पास कितना आ जाएगा 7 7/78, ये इजी था, इसको पूरे कर लेते हैं, 99 क्वेश्चन है, 2 भिन्नों का योग 7/4 है, उनमें से 1 5/3 है, दूसरा भिन्न क्या होगा, 2 भिन्नों का योग, जैसे एक भिन्न हमारे पास बोला उनमें से 1 भिन्न 5/3 है, दूसरा भिन्न मान लीजिए x/y है, तो दोनों का योग 7/4 दिया है, तो 5/3 में अगर 7/4 को घटा लें और इधर हमारे पास x/y आएगा, योग दिया होगा ना, तो इस बार इसको योग दिया तो ये नहीं घटेगा, फिर इसको बड़े में घटा लेते हैं, x/y की वैल्यू ये 7/4 में से 5/3 घटा लीजिए, 7/3 21 और 20, 1/12 आ जाएगा, ठीक है, 0.0200 जितने बार चाहे लिख सकते हैं, 0.0002 के बाद 0 जितने बार चाहे लिख सकते हैं, 0 में 0 घटाएंगे 10 में से 2 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे तो 0 था ही, गलत कर दिया क्या मैंने कहीं पे, के बीच का अंतर ही बोला था ना, तो ये 10 हो जाएगा, 1 लेने पे 8 आ जाएगा और ये वाला हमारे पास, अच्छा 1 ज़्यादा 0 घटा दिया, ठीक है, इस वजह से आ गया, यहाँ पे 1 ज़्यादा 0 घट गया, तो 0.002 इतना ही था हमारे पास, तो यहीं से कर लेंगे, यहाँ से लेंगे तो 10 में से चला जाएगा 2 तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, हर दिन हर टॉपिक से क्वेश्चन लगाना आपको, कोई भी टॉपिक मिल जाएगा, अगर नहीं भूलना चाहिए, ये वही कॉमन क्वेश्चन घटा निकाल सकते हैं, इसमें भी वही कॉमन क्वेश्चन है, इसको भी घटा निकाल सकते हैं, क्या जोड़ा जाए ये भी कर सकते हैं, तो ये 100 क्वेश्चन थे आपके डेसिमल